की चेन तोड़नी है तो देश में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, संक्रमण रोकने के लिए 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। अलग अलग राज्य अपने आप मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, ब्रेक द चेन, फुल लॉकडाउन सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन असर नहीं दिख रहा है उसका। और इसलिए अब कोविड टास्क फोर्स, जो कि कोरोना से निपटने के मामलों पर सरकार को सलाह देती है, उसने कहा है कि 15 दिनों का, कम से कम 2 हफ्तों का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए देश में। मई के आखिर तक दूसरी लहर की पीक आने की आशंका है, यह कहा है कोविड टास्क फोर्स ने। और कहा कि लॉकडाउन नहीं लगा तो रोज 5 लाख से ज्यादा नए केस आ सकते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होगा। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर रोक लगने की उम्मीद है, यह कहा है कोविड टास्क फोर्स ने। और वैक्सीनेशन प्रोसेस को और तेज करने के लिए और रैंप अप करने के लिए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप इसको तेज करिए, ताकि समय मिलेगा आपको कोरोना से निपटने में। डॉक्टर अंशुमन, कोविड टास्क फोर्स की इस बात से सहमत हैं? डॉक्टर एंथोनी फॉसी जो यूएस के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की दुर्दशा देख के वहां से स्टेटमेंट डिलीट किया। क्यों किया? कि उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान इस काबिल है ही नहीं, जिस तरह से मैनेज कर रहा है, नाइट कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू या इवनिंग लॉकडाउन, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करो। क्या फायदा होगा कंप्लीट लॉकडाउन से? 3 पर्पस हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। तो आप इसकी अल्पीकरण कर लोगे, जिस रफ्तार से बीमारी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसको धीमा कर लोगे, तैयारी कर लोगे और टेस्टिंग बढ़ा लोगे, ताकि जहां मैक्सिमम संक्रमित लोग हैं उनको कंटेन कर सकें। लेकिन कर लो, पिछले साल भी ये नहीं किया, लॉकडाउन कर लिया, लेकिन लॉकडाउन का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। नहीं नहीं, लेकिन इस बार सवाल हम लॉकडाउन करें तो कर एक चश्मे से ऐसा देखते हैं। मैं आपकी बात से आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूं कि ठीक है लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन आप जो बाइडेन के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, जिनकी कर रहे हैं।